तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो लंबे समय से फैंस के दिलों पर आज भी राज कर रहा है। इस शो का हर किरदार पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से छाया रहता है। ये शो बीते 13 सालों से लगातार दर्शकों के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए है। शो की खास बात यह है कि ये शो TRP लिस्ट में भी हमेशा आगे रहता है। वैसे तो तारक मेहता का हर किरदार खास है, लेकिन अगर बात की जाए जेठालाल की पत्नी दयाबेन की तो वो हर किसी की चहेती हैं। दयाबेन की मासूमियत और उनके बोलने का अंदाज के लोग आज भी कायल हैं। शो में दया भाभी का किरदार एक्ट्रेस दिशा वाकानी ने निभाया है। भले ही दयाबेन शो में नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन आज भी फैंस के बीच उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है। हाल ही में दिशा वाकानी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, जिसमें उनके बदले रूप को देखकर फैंस हैरान थे। लेकिन इस तस्वीर के सामने आते ही उनके पति को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दिशा वाकानी के फैन पेज पर उनकी हाल ही में एक तस्वीर शेयर की गई थी। इस तस्वीर को देख उनके फैंस काफ़ी हैरान हो गए थे। इस फोटो में दिशा अपनी बेटी को कंधे पर लगाए हुए दिख रही है। वहीं नो मेकअप लुक में गरबा क्वीन को पहचानना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। वहीं उनके बाल और पूरा लुक काफ़ी बदला सा दिख रहा है। पहली नज़र में उन्हें देख कोई ये नहीं कह सकता कि ये तारक मेहता की दयाबेन है। आपको बता दें कि दिशा वाकानी की इस तस्वीर सामने आते ही उनके पति मयूर पाड़िया को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दिशा वाकानी की इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए यूज़र उन्हें तरह तरह की बातें सुना रहे हैं। यही नहीं, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने दिशा का करियर बर्बाद होने के लिए उनके पति को जिम्मेदार ठहराए हैं। एक यूज़र ने कमेंट सेक्शन में लिखा, इसके पति ने ही इसका करियर बर्बाद किया। वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा, पति और बच्चों में ही उलझ कर रह गई। वहीं कई ने उन्हें फिर से शो में देखने की इच्छा जाहिर की है। हमारे शो को अवार्ड दिया गया था और बहुत ही खुशी हुई थी। थैंक यू, अवार्ड्स लेना बहुत ही अच्छा लगता है। प्लीज आप हमें इतना ही पसंद करते रहिएगा। और तो क्या कहूँ, अभी इतना झूमने का मन हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।